हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो भी वाइटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपके साथ वाइटिंग फार्मूला क्रीम शेयर की जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वाइटिंग ड्रिंक भी शेयर करूँ, जो कि मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करती आ रही हूँ, तकरीबन एक साल हो गया है। और इसके जो है ना बहुत ही मज़े के रिज़ल्ट हैं, मैं ट्रस्ट में आपको बता रही हूँ। और जो चीज़ें मैं ख़ुद पे यूज़ करती हूँ मैं आपको वही बताती हूँ, और मैंने ये नहीं है कि दो तीन दिन यूज़ किया और वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। नहीं, मुझे इन चीज़ों को यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, और मुझे इनका ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी जो मैंने वाइटिंग फार्मूला आपके साथ शेयर किया उनका कोई मुझे ऐसा गंदा रिज़ल्ट मिला है फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी स्किन आपके सामने है, और ये जो मुझे एक्ने निकली हुई ये गर्मी की वजह से। और जो मैं आपके साथ ड्रिंक आज शेयर करने लगी हूँ ना, वो इतना मज़े का, इतना अच्छा है, उसके इतने बेनिफिट हैं। अगर आप टीनेज हो, कुछ भी हो, मतलब 14-16 इयर्स की जो गर्ल्स हैं वो भी ये यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा ड्रिंक है, और इससे आपकी फुल बॉडी जो है ना वो वाइट होती है, मतलब आपके हाथों का कलर भी चेंज होगा साथ में। और अगर वाइटिंग फार्मूला यूज़ कर रहे हो तो साथ में आपने जो है ये वाला ड्रिंक लाजिम यूज़ करना है, इससे आपको डबल रिज़ल्ट मिलेगा आपकी स्किन में। अगर आप वाइटिंग फार्मूला यूज़ नहीं भी कर रहे हो और सिर्फ ये ड्रिंक यूज़ कर रहे हो, तब भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मैंने तकरीबन एक साल इसको यूज़ किया, और अब भी क्या हुआ कि एक महीना जब मैंने इसको छोड़ा है ना, अभी आप ये पिंपल देख सकते हो, अभी गर्मी है ना, गर्मियों में पिंपल एक्नी आती है, ये सब होता है, नॉर्मल है। तो अगर किसी की एक्नी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए ये बहुत ही मज़े का है, आप ज़रूर इसको ट्राई करो। दो तीन दिन नहीं, एक हफ्ता लाजिम आपने इसको लेना है। और लेना कैसे है, पहले इसको चलकर बना लेते हैं, उसके बाद वापस आकर आपको बताती हूँ कि कैसे लेना है। चलो, सबसे पहले हम इसमें दो गिलास पानी लेंगे। अब इसमें हमने जो ऐड करने हैं वो हैं सबसे पहले पुदीने की पत्तियां, जो कि 8 से 10 पुदीने की पत्तियां लेनी है दो गिलास पानी में। और इसके बाद हमने लेनी है 3 इलायची, यहाँ पे मैंने ली है, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, 3 से 4 भी ले सकते हो, और अगर आपके पास 2 हैं तो 2 भी ले सकते हो। और इसके बाद है 1 चम्मच हमने लेना है सौंफ का, और सौंफ इसमें हम ऐड करेंगे, और ये इसमें हम सबको एक ही साथ डाल देते हैं। और इसको हमने हल्की आंच पे बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं, और इसको तब तक हमने बॉईल करते रहना है जब तक ये हमारा 2 गिलास से 1 गिलास आकर बचेगा। पर हमारा जो ड्रिंक है वो तैयार हो चुका है, और तकरीबन ये बचा है इतना आपके सामने, मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला था और अभी 1 गिलास के जितना बचा है। और अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा ड्रिंक बन चुका है, जो कि इस तरीके का इसका कुछ कलर आता है बाद में बॉयल होने के बाद। तो इसको हमेशा हमने ठंडा करके लेना होता है, गर्म नहीं लेना। अब बताती हूँ कि लेना कैसे। सुबह हमने इसको निहार मुँह लेना होता है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं पुदीने की पत्तियां ली और 2-3 इलायची ली, उसके बाद मैंने लेना होता है इसमें क्या सौंफ लेना होता है 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को एक ही साथ बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, और हल्की आंच पे ही बॉयल करना, इसे ज़्यादा आपने तेज़ आंच पे नहीं करना। तो हल्की आंच पर बॉयल होते होते तकरीबन कोई लग जाता होगा, आधा घंटा लग जाता है, तब तक आप कोई काम कर लिया करें, फेस वॉश करती हूँ, जैसे बाकी काम करते करते मेरा ड्रिंक रेडी हो जाता है। तो आप भी ऐसे अपना ड्रिंक जो है ना वो चूल्हे पर चढ़ा दिया करें सबसे पहले उठने से। उसके बाद आपने 4 से 5 दिन बाद अपनी स्किन पे ग्लो देखना है, रिज़ल्ट देखना है। ट्रस्ट मी, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आपने एक हफ्ते में अपनी स्किन देखनी है कि कितनी ग्लो करती है, और मतलब एक नेचुरल कलर जैसे होता है ना आपका, वो निकल कर आता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, आपने ट्राई करना है। उसके बाद आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा। आपने ठंडा करके लेना है, गर्म करके नहीं लेना, थोड़ा ठंडा कर लेना, उसके बाद ही आपने लेना है इसको। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, एक्ने वालों के लिए बहुत अच्छा है, इसे छोटे बड़े सब यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े का ड्रिंक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो हमारी वीडियो है अच्छी लगेगी और हेल्पफुल भी रहेगी जिनको नहीं पता था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो बहुत मुश्किल से मिलेंगे, आप इनको घर पे भी लेके रख सकते हो।
तो और हाँ, मैं बताना भूल गई थी कि इसमें जो इलायची है वो हमने छोटी इलायची डालनी होती है, बड़ी वाली इलायची नहीं, जो छोटी जो हम ज़्यादातर चाय में डालते हैं खुशबू के लिए, वो इलायची हमने यूज़ करनी है। और अगर हाँ, इसमें हम मैंने शुगर ऐड नहीं की, अगर आप इसमें चाहो तो इसमें जो है ना शुगर ऐड कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा कड़वा लगता है तो थोड़ी सी आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर कुछ याद आ गया तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा, बाय।